हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो आज हम डिज्नी हॉटस्टार की नई सीरीज दहन राकन का रहस्य को डिस्क्राइब करने वाले हैं, जो एक सुपर नेचुरल हॉरर वेब सीरीज है जहां सिलासपुर की कहानी है और इसे डायरेक्ट किया है विक्रांत पवार ने। कहानी शुरू होती है 1989 सिलासपुर राजस्थान से। एक व्यक्ति जो जियोलॉजिस्ट है वो अपनी डॉटर को साइट पर लेकर गया है और रात हो चुकी है। तभी बच्ची एक गुफा से एक डिफरेंट काइंड का पत्थर लेकर आई है और जैसे ही वो स्टोन को चेक करता है एक बागी उसे देख लेता है, जिसे देख जियोलॉजिस्ट अपनी बेटी को लेकर कार से भाग निकलता है। पर बागी उसके पीछे पड़ जाता है और वो बागी से बच निकलते हैं और एक हवेली के आगे रुकते हैं और अंदर जाते हैं और पीछे से वो बागी भी आ जाता है। पर हवेली में कुछ ऐसी बहस होती है कि गोली चलती है। बागी भागकर अंदर जाता है तो देखता है कि जियोलॉजिस्ट के हाथ में पिस्तौल है और उसकी बीवी सामने खड़ी है और वो बच्ची अपनी माँ के पीछे डरी हुई सी खड़ी है। तभी बागी उसे हमला करने से रोकता है और उसे बताता है कि जिस साइड से वो आया है वो शापित है, उस पर राकन की माया चढ़ी है। इतना कहने तक जियोलॉजिस्ट की बीवी पर हमला होता है और देखते ही देखते वो बच्ची अपनी माँ को मार देती है, क्योंकि उस गुफा में बच्ची गई थी और उनकी बेटी वही कहीं छुपी होती है। वो बच्ची अपने बाप पर भी हमला कर देती है। तब तक वो बागी उस बच्ची की तलवार से गर्दन काट देता है और जियोलॉजिस्ट को भी मार देता है। फिर तीनों ही डेड बॉडीज की गर्दन अलग करके वो उनके सिर्फ शरीर को कार समेत पानी में गिरा देता है और खुद वहीं बेहोश हो जाता है। प्रेजेंट डे जयपुर में एक विमेन अवनी शासन सचिवालय पहुंचती है जो एक IAS है, बट उस पे अपने ही पति के मर्डर का इल्जाम चल रहा है। ऐसे में उससे ऊपर के लोग उसे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देते। वहीं अवनी खुद सिलासपुर प्रोजेक्ट पर काम करने की बात करती है क्योंकि वहां ऐसे मिनरल्स मिले थे जो आगे इंडिया के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाले थे, लेकिन वहां काम रुका हुआ है क्योंकि वहां के प्रमुख यानी धर्म गुरु वहां डेवलपमेंट होने नहीं दे रहे। वो लोगों के साथ मिलकर इसका विरोध करता है, इसलिए अवनी वहां जाकर लोगों को डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहती है। पहले तो हेड मना करता है, फिर वो मान जाता है। अवनी का बेटा अनय है और वो उसके साथ सिलासपुर जाती है बाय ट्रेन, जहां अनय से टीटी टिकट मांगता है और वो उसे ट्रेन में टिकट दे देता है। जब वो उनसे पूछता है कि उन्हें जाना कहाँ है तो अनय कहता है कि उन्हें सिलासपुर जाना है, तो टीटी बिगड़ जाता है और कहता है अभी चंद्र ग्रहण है और ऐसे में आत्माएं घूमती है वहाँ। टीटी उसे कहता है कि वहाँ पहुँचते ही सुबह सुबह बाबा का दरबार है, वहाँ चढ़ावा चढ़ा देना, जिससे वो रक्षा करेंगे राकन से। अनय अपनी मॉम से सिलासपुर की हिस्ट्री के बारे में पूछता है कि क्या ये सब हॉरर स्टोरी सच है। उसकी मॉम का जवाब होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वहाँ कुछ लोग डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए ऐसा झूठ फैलाया गया है। तभी अनय अपनी मॉम से 10 रुपए मांगता है और उसकी मॉम जब रीजन सुनती है तो वो उन सब पर बिलीव नहीं करती। अनय को गुस्सा आ जाता है कि ये इन सब पर बिलीव ही नहीं करती तो मेरे पापा का श्राद्ध भी क्या ही एक्सपेक्टेड थी उसकी मॉम से। फाइनली दोनों माँ बेटे रुद्रगढ़ पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें लेने गाड़ी आती है। प्रमुख स्वरूप वहाँ के धर्म गुरु है। अवनी सचिव से पूछती है कि वो चाहता क्या है, क्योंकि प्रमुख स्वरूप और सचिव दोनों ही चाचा भतीजा है। अब वो उनकी तारीफ कर रहा है जिससे अवनी उसे सुना देती है। अब अनय उस जगह की स्टोरी जानना चाहता है तो सचिव बताता है कि रिडियाकन की कहानी है कि जब हिंदुस्तान बना ही नहीं था और राजस्थान भी नहीं था, तब यहाँ एक राजा का राज्य था जो इतना बूढ़ा था कि अब मरे कि कल मरे, ऐसी स्थिति थी उसकी। अब राजा के बेटों और उसके कजन्स के बीच गद्दी को लेकर युद्ध हो गया। अब 5 भाई जो राजा के बेटे थे और उनके कजन सब 50 थे। करपल्ली की सेना कम थी, निकासी इन पर भारी पड़ने लगे। ये 5 भाई हारने ही वाले थे, लेकिन इन 5 भाई के पास त्रुप का एक इक्का था, उनके बड़े भाई वायु सिंह का बेटा रेदियागन, जिसकी माँ हार्डिका एक राक्षसी थी, यानी वो मायावी थी। वायु सिंह और हार्डिका के रिश्ते को राजा ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। माँ बेटे दोनों जंगल में रहने लगे थे। अब इस युद्ध के लिए जब रेडियाकन आया तो निकासी की सेना खत्म होने लगी और वो शरीर पर वार नहीं करता था बल्कि दिमाग पर अपनी माया चलाता था, जिसे राकन कहते हैं। तभी उसे पूजा जाता है जिससे उन्हें कोई खतरा ना हो, लेकिन अब क्या गारंटी थी कि वो गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों को भी मार डाले। तब करपल्ली ने अपने कुल देवता का आह्वान किया। घास की पत्ती से बना एक अस्त्र से उस मायावी बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बावजूद वो दर्द से अपनी माँ को पुकारता रहा और सब डर गए कि कहीं इसकी माँ को पता चल गया तो पूरे कुल का नाश कर देगी, क्योंकि वो राक्षसी है। इससे बचने के लिए एक शिला में उसकी खोपड़ी रख दी। अब वहाँ के लोगों ने उसे पूरी जिंदगी कारावास में रहने दिया और उसकी पूजा करके उसे शांत रखा, लेकिन अवनी ये सब सुनकर भी बिलीव नहीं करती और माइनिंग का काम रुकवाने का दोष सचिव के कुल को देती है। जो लोग युद्ध हार गए थे वो बागी बन गए थे क्योंकि उन्हें देश निकाला दिया गया था। तब से वो निकासी लोग छुप कर लोगों पर हमला करते हैं। रोड साइड में उन्हें भी पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी का एक्सीडेंट दिखता है और ये निकासियों का ही काम था। सचिव गाड़ी भवानी भाईसा के यहाँ लेकर जाता है, जिसके पास प्रमुख के इशू का कोई ना कोई सलूशन था। रात हो जाती है और अवनी भवानी को माइन खुलने का फायदा बताती है और वो चाहती है कि सिलासपुर की जमीन पर माइनिंग हो और डेवलपमेंट आए, लेकिन वहाँ इसलिए काम नहीं होने दिया जा रहा क्योंकि वहाँ प्रेत आत्माओं का साया है। इन सबसे तंग आकर अवनी वहाँ से उठी है और भवानी को कहती है कि माइनिंग तो जरूर आएगी। अब वो उनका साथ
साथ दे या ना दे। अवनी और अनय दोनों सर्किट हाउस पहुंचते हैं जहां अवनी को खून दिखता है, बट सडन वहां की केयर टेकर आती है और एंट्री करने को कहती है। वहां के सारे शीशे टूटे हुए थे। नेक्स्ट डे अवनी साइट पर जाती है जहां राकन की पूजा होती है। उधर अवनी अजीबो गरीब सिचुएशन देखती है और बीच बीच में उसे अपने पति के विजन दिखने लगते हैं जहां वो उसे ब्लेम करता है अपनी मौत का। इतने में अवनी की तबीयत खराब हो जाती है और एपिसोड यहीं पूरा हुआ। तो कैसा लगा आपको ये पहला एपिसोड हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।